जो भी न्यू फ्रेशर्स या जो भी मेरे फील्ड से हैं या मेरे फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप जुड़ चुके हैं मल्टी हेल्पर के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लखीसराय जिले से हैं तो आपके लिए कुछ खास और बहुत ही बड़ा मौका हाथ लगने वाला है। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस क्षेत्र में आपको बड़ा मौका मिलने वाला है और आप उस क्षेत्र से है या नहीं। बम्बई, आप मैं लखीसराय का हूँ, तो जो भी हैं लखीसराय के वो तो हमारे दोस्त की तरह हैं, भाई की तरह है। तो कोई भी आएगा तो जितना मुझसे बन पास हो सकता है मैं उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए, ये एक प्राथमिक शर्त है। और अगर आप टैलेंटेड हैं तो निसंदेह मेरा कोऑपरेशन आपको मिलेगा, जो मैंने 14 साल 15 साल के स्ट्रगल में जो मेरा रिलेशन है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो कि लखीसराय के अच्छे दिन आने वाले हैं या तो बोले आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लखीसराय जिले के जो कि पतनेर के रहने वाले हैं, रितेश ए उनका नाम है, जो कि मुंबई में फिल्म डायरेक्टर है और उनका एक वेब सीरीज हाल ही में बहुत ही वायरल हो रहा है, जो कि MX प्लेयर पर आप भी जाकर देख सकते हैं। हाँ, उसका एक्चुअली बुलेट ट्रेन नाम है जो MX प्लेयर पे अभी दिखाया जा रहा है और हम लोग उसके पार्ट टू के लिए भी काम शुरू कर दिए हैं। बुलेट ट्रेन पार्ट टू का भी राइटिंग वगैरह चल रहा है। रितेश एस पांडे जी का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री एक उद्योग है और इसमें बहुत प्रकार के काम है और मैं उन लोगों को काम देना चाहता हूँ जिसके पास सही में असली प्रतिभा है, सही में जिसके पास कला है, जो अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है इस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, और उनका ये कहना भी है कि मैं हर तरह से उनका मदद करूँगा, यहाँ से लेकर यानी लखीसराय से लेकर मुंबई तक मदद करूँगा, लेकिन उसमें प्रतिभा होना चाहिए। ये फिल्म एक इंडस्ट्री है, फिल्म एक उद्योग है। फिल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन तक ही बातें सीमित नहीं रहती है, फिल्म के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, एडिटर्स होते हैं, मेकअप होता है, लाइट होता है, कैमरा होता है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं सोचें कि एक्टिंग एक्टिंग ही सब कुछ नहीं, एक्टिंग के भी अलग हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको रोज़गार की आवश्यकता है तो आप फिल्म लाइन में भी बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसकी तलाश कीजिए और एक अच्छे जिद और एक अच्छे मंसूबे के साथ आइए, वेलकम है आपका, आप अच्छा करेंगे, ये मैं अपने जूनियर्स के लिए बोलूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी लखीसराय से हैं, अगर आप राइटर हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप वीडियो एडिटर हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी मौका है। आप अगर चाहें तो रितेश एस पांडे जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उनको सर्च कीजिए गूगल पर या फेसबुक पर, आप वहां से आप उनको कॉन्टेक्ट करके आप भी अपना करियर बना सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए और यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लखीसराय जिले से आते हैं और जिस तरह से आप एक डायरेक्टर के लिए आप काम कर रहे, तो लगातार जो लखीसराय के जो नॉर्मल लोग हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं वो भी इस लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर कुछ बताते हैं। एक्चुअली मैं लखीसराय पतनेर का रहने वाला हूँ और मैं तकरीबन 5 से 6 मूवी डायरेक्ट कर चुका हूँ और अभी जस्ट अगले महीने मेरी अमेजन प्राइम पे एक ओशो रजनीश के ऊपर एक फिल्म आ रही है। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग पीछे से आना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब आप लगातार अगर लड़ सकते हैं, लगातार किसी चीज़ के लिए अगर आप जूझ सकते हैं तो आप उस काम को करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। एक ज़िद चाहिए, मुझे ये करना है, उसका एक ज़िद चाहिए और अगर किसी भी बच्चे के अंदर वो ज़िद रहेगा और अगर होगा या है तो निसंदेह वो कहीं भी किसी भी जगह अपना स्थान बना सकता है। और
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, हो सके आपके एक शेयर से किसी न किसी का भला हो सके, किसी न किसी को जॉब लग सके, किसी न किसी को उस क्षेत्र में काम मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।